अच्छा भैया, आरवी म्यूजिक भीमपुरा नंबर एक बलिया के सौजन्य से सोनू भाई के देख रेख में ये बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा। हमके आशा ना, पूर्ण विश्वास बा, ये कहानी आप लोगों के जरूर पसंद आई। कवि जी कितना सुंदर भूमिका का लाइन लिखलन मास्टर भैया, कैसे? विधा जो बनाया विधि ने जगत में, कोई पैदा नहीं कोई उसको मिटाए। सत्य है सत्य दुनिया में हरदम रहेगा, झुकेगा नहीं लाख कोई झुकाए। वासना यातना चंद मौजों का खेला, जो समझा नहीं अपनी बगिया जलाए। दिनेश क्या कोई मारेगा जग में उसे, जिस पे रहमत की चादरी खुदाया ओढ़ाए। कवि जी लिखत हवन, विधा जो बनाया विधि ने जगत में, कोई पैदा नहीं कोई उसको मिटाए। सत्य है सत्य दुनिया में हरदम रहेगा, झुकेगा नहीं लाख कोई झुकाए। वासना यातना चंद मौजों का खेला, जो समझा नहीं अपनी बगिया जलाए। दिनेश क्या कोई मारेगा जग में उसे, जिस पे रहमत की चादर खुदा या ओढ़ाए। हम एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर भैया, कैसे? यह गजल का लाइन बा कि अरे केसरी के गंध ले के, केसरी के गंध ले के पुरवा चलल रहल, केसर के गंध ले के पुरवा चलल रहल, अरे पुरवा चलल रहल। देखली कि उनके घरवा के, देखली कि उनके घरवा के खिड़की खुलल रहल, देखली कि उनके घरवा के। गजल का लाइन हो, बिरहा में कितना सुंदर भाव हमरे दिनेश कवि जी लिखलन। वो दुनिया के मालिक से फरियाद करत हो, कहलन का कि अरे दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले दुनिया को देख लो, दुनिया को देख लो, अरे दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले दुनिया को देख लो, दुनिया
दुनिया को देख लो, क्या सोच कर बनाए क्या सोच कर बनाए उसको निरेख लो। कवि जो दुनिया के मालिक से कहत हवन कि आए दुनिया बनाने वाले, जरा दुनिया को देख लो, क्या सोच कर बनाए इसको निरेख लो। ये दुनिया आपने कैसी बनाई, ये दुनिया कैसी हो गई, ये हवे से कहानी का शुरुआत हुआ मास्टर भैया। कैसे सही है, आ जाइल को छोड़ रहा, चंद मौजों के खातिर अपनों से मुख मोड़ रहा। किसे दोषी बताऊं समझ में न आता है, डाल पर बुलबुल की उल्लू भी गीत गाता है। कहानी कहाँ कह, कवि जी लिखलन, जिला गोंडा में बसा गांव प्यारे पूर सही, जहाँ मनाता टूट कर हो गई है जूर सही। वही विनोद जिनकी कुसुमलता नारी है, वही विनोद जिनकी कुसुमलता नारी है, बेटा बसंत से घर की सजी फुलवारी है। आलम आलम जवानी का बसंत था पढ़ाई में, इरादा मोड़ दिया सालू की मिताई ने। ए भैया, ये गोंडा जिला का कहानी बा। वो गोंडा जिला में एक ठे गांव बा जेवने का नाम प्यारेपुर बा। वही प्यारेपुर गांव का रहे वाला विनोद, जिनके पत्नी का नाम कुसुम लता, मालिक दोनों जाना के बीच में एगो बेटा देले हवन, जोने बेटवा का नाम बा बसंत। बसंत पढ़त बा, खुशहाल का जिंदगी बीतत बा, लेकिन बसंत जब जवानी के दहरीज पर पहुंचा बाबूजी, तो एगो सालू नाम की लड़की से प्रेम कर गई। अब पढ़ाई लिखाई में ओकर मन ना लगत बा, दोनों जब प्रेम कैलन बसंत और सालू, तब भइल का यहाँ एक लाइन गीत लगल। यह गीत का लाइन बा, कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के समझावत ही है। देखो हमरे जेपी भाई बजा दी हलन, जाए पिया जवानी हमार, जाए पिया जवानी हमार, जराई रे गईला ना, जाए पिया
एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे नचनिए कारण दुल्हन अपने दुल्हा के कहत बा समझावत बा कवि जी विराह के अंदर भाव लिखलन सालू बसंत कैलन का बसंत सालू प्रेम जाल बसंत सालू प्रेम जाल अधुराई रे गईले ना बसंत सालू प्रेम जाल अधुराई रे गईले ना तजिए मरे के साथे क्रिया दूनो खाई रे गईले ना जिए मरे के साथे सालू बसंत दोनों प्रेम करे लगलन साथे जिए मरे के कसम खा लिहलन लेकिन भइल का यार बसंत के बारे में जब सालू के पता चलल तब कहत बा सालू बसंत से काले बापतिया लागे होई तोहर सदिया चंद मऊजी खाती बनाला संगतिया सुन के फाटे हमार छतिया बनाला संगतिया सुन के फाटे हमार छतिया जिंदगी हमर मटिए में मिलाई रे गईला ना बार भैया बा जिंदगी हमर मटिए में मिलाई रे गईला ना जिए मरे के जिए मरे के साथे क्रिया दोनों खाई रे गईले ना जिए मरे के साथे ए भैया ऊ सालू जीवन बा बसंत से कहत बा के बसंत हम सुनत हैं कि तुहार शादी होखे वाली बा ई सुन के हमरे दिल के अंदर कांटा नियर चुभत बा लगत बा कि तू हमके प्रेम में धोखा देब बसंत कहत बा कि ए सालू हम ओइसन प्रेम करे वाला ना है दूसर कोनो आई तो हम करब का बतावत बा एक लाइन गीत लगल भोजपुरी का गीत है जेपी भाई कैसे कोनो लड़की लड़का का बात बा कोनो लड़की वो लड़का से कहलस चाहे लड़का वो लड़की से कहलस का कहलस
बुझिला मन तोहर करता हो यही से जीव हम डरता हो कहियो सुतावा राजा पोरा में हमके कहियो सुतावा राजा पोरा में हमके झूलवा झूलावा राजा कोरा में हमके झूलवा झूलावा राजा गीत कलाई नहीं लेकिन बसंत सालू के बतावा था का बतावला कहले बसंत तब क्रिया के खाई ले चल तोहरे के दुल्हन बनाई ले चल तोहरे के दूसराई तरख दे फारी के दूसराई तरख दे फारी के घर ही में गाड़ी दे सजिया पमार के घर ही में गाड़ी दे बसंत बताओ था कि ये सालू हम तुहके दुल्हन बना के ले चलब दूसर आई तो सेजिए पर पहले ही राती मार के ओके घर ही में गाड़ दे केहू पतो न पाई लेकिन वादा करके बसंत सालू से जब घरे आई अंतरा के लाइन में कहे के पड़ल आइले बसंत घरे चैन नहीं पावे आइए दिल करू बेटा बाबूजी बतावे ये जोड़ल जाई रिश्ता की तार के ये जोड़ल जाई रिश्ता की तार के घर ही में गाड़ी दे से जिया पमार के बाबूजी जब देखलन बसंत के कहलन के बेटा बसंत तनि हेहर आव बसंत गईल बड़ा दुलार प्यार से बाबूजी कहलन के बेटा बसंत तुहार शादी का दिन हम तय कर दिए ही आ घरे आ गई बेटा तो बहुत बढ़िया बात बा तिलकहरू तुह के आवे वाला लोग बा देखी लोग तिलकहरू अलन देखलन ए भैया फतेहपुर गांव का रहे वाला लड़की का नाम अंजू अंजू के पिताजी आए और बसंत के शादी का दिन रखाए लगल भैल का एक लाइन गीत बा जब शादी का दिन बसंत का रखाए लगल तब भैल का गीत के लाइन कि खाड़े रहो मुरली वाले खाड़े रहो मुरली वाले गगरिया घरे धैले
कवि जी लिखत हवन सदिया के दिनवा रखाई सदिया के दिनवा रखाई बहु अंजू घरवा में आई शादी का दिन रखाई शादी वाला दिन बारात गईल वापस आईल उ अंजू दुल्हन बन करके बसंत का जब घर में आईल हो बाबू बसंत जोन बा अपने बाबूजी से एक बात कहलस कहलस का बाबू से बोला बसंत तवने घरिया हनमुन मनाई हम लखनऊ सहरिया हनमुन छलकारी लेके पराई अरे छलकारी लेके पराई बहु अंजू घरवा में आई अरे जियो भैया जियो अंजू को दुल्हन बना करके घर में लाता है बसंत अपने पिता विनोद से जाके कहता है कि बाबूजी हम लखनऊ शहर जाएंगे और वहीं जाकर के हनुमान मनाएंगे हमारी सुहागरात वहीं मनाई जाएगी रुपया पैसा का कमी ना रहल बाबूजी कलन के ठीक है बेटा जब जाल चाहत हुआ तब तू जा ओकरे दिल के अंदर तो दूसर भावना बा बैठा करके चलता है बसंत कवि जी विरह में टेरी के लाइन में लिखल है इतना बढ़िया बात कवि जी लिखल कि किस्मत का लेखा देखा ना कोई अरे किस्मत का लेखा देखा किस्मत का लेखा देखा ना कोई तो कैसे केहू मिटाई भाग्य विधि का रेखा अरे हो रेखा कैसे केहू मिटाई भाग्य विधि का रेखा किस्मत का लेखा देखा ना कोई ऊपर वाले के करे किस्मत में का लिखले हमन आज तक केहू जनलस ना जब चलल है बसंत लेके त कवि जी चौकड़ा में लिखलन ह गोंडा शहर को पार किया मिली राह में सालू भी तब उसको भी साथ सवार किया अंजू भी जब कहना चाहे वह पापी निज फटकार दिया सुनसान रस्ते में जाकर सुनसान रस्ते में जाकर दुल्हन नीच उतार दिया अरे शेर हवालाल
ए भैया जब वह बसंत अंजू दुल्हन को लेकर के चलता है गोंडा शहर से लखनऊ के तरफ, तो सालू को फोन कर दिया कि सालू तुम रास्ते में आ जाओ, मैं इसको लेकर के चल रहा हूं लखनऊ शहर की ओर, हम और तुम दोनों मिल करके इसका रास्ते में काम तमाम कर देंगे। यह बात अंजू नहीं जानती है। बाबूजी नीच गद्दार गाड़ी में बैठ गया, लेकर के लखनऊ शहर की ओर जब चला, रास्ते में सालू आई, उसको भी गाड़ी में सवार किया, बैठा लिया। बोलना चाहती है वो दुल्हन अंजू, आप ये क्या कर रहे हैं, अनजान रास्ते में किसी अजनबी लड़की को बैठा रहे हैं साथ में, दिन पर दिन घटना घटती जा रही है, कोई घटना घट जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन बसंत डांट देता है, कहता है कि खबरदार, अगर हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा वो अंजाम करेंगे, वो हसर करेंगे, तुमको पता नहीं होगा। वो डर जाती है अंजू, सहम जाती है। बाबूजी लेकर के चलता है लखनऊ शहर की ओर, जब सुनसान रास्ता आता है वही गाड़ी रोक देता है। हे बाबू, और जब गड़िया रोक के हो भैया, वो अंजू दुल्हन के उतारे लगल गाड़ी से बाहर, तो हाथ जोड़ के और रो रो के एक बात कलस, क्या कलर मास्टर भैया एक लाइन गीत लगा, ये गीत का लाइन बा, डूबी मारबे राजा नहीं बाजो पूर्व के देशवा, लेकिन भाव कवि जी लिखलन, अंजू दुल्हन अपने पति बसंत का चरण पकड़ के रो रही है और कहती है, क्या कहती है मास्टर भैया, रोवे लागल हो अंजू, रोवे लागल हो अंजू पति के चरणिया धई के, काहे के उतारत बाड़ा रहिया में अकेले कई के, काहे के उतारत बाड़ा रहिया में अकेले कई के, रोवे लागल हो अंजू, हाथ जोड़ करके अंजू अपने पति बसंत का पैर पकड़ करके रोती है कि हे पति दे, हे सैया, ये सुनसान जगह में हमको उतार दबा, तो हम अकेले कहाँ जाए, ये अनजान रास्ता बा। लेकिन डांट करके बसंत कहता है, क्या डांट के कसाई बोलल अंजू से बचानिया हो, के बीचवा का तू हई नगिनिया हो, बसंत कहत बा हमने के बीच का तुम ही नागिन हो, तुम्ही ने हम लोगों के जिंदगी में जहर घोला, अगर तू नहीं आती तो हमारा और सालू का प्रेम जो बीच में तुम आ गई हो, तुम्हारे वजह से तुम कांटा बन गई हो। कहता है नीदिया हराम रहल
दिया पाई के निदिया हराम राहल हामली के सादिया पाई के रोने लागल हो यल्लू पाती के कहलस की हमन के बीच के तुम ही नागिन हो, तुम्हारे वजह से हम लोगों की नींद हराम हो गई, जीना मुश्किल हो गया है। ए भैया, वो हाथ जोड़ करके अंजू रोती है बिलकती है, लेकिन उस नीच कसाई को दया नहीं आती है। तब वो सवाल करती है अंजू वो बसंत से अपने पति से, क्या कहती है मास्टर भैया? बसंत से अंजू कहती है, सैया जनमार जनवा सैया जनमार जनवा अंजू बोलल ते ही छनवा सैया जनमार जनवा अंजू बोलल ते ही छनवा कैली का सजना कसूर कहती है भेदवा छिपाई रखा मनवा मनाई रखा मनवा मनाई रखा हमारा के छोड़ी दूजी नैहर हम चली जाई ससुरा ना कबो आई ससुरा ना कबो आई भाई लगे रहब मजबूर केतनो रोवली धोवली कुछ ना करे पवली कुछ ना करे पवली फेकलस का साई फूलवा तूराजी। ए भैया, अंजू कितना भी रोती है बिलकती है, लेकिन उस कसाई बसंत के दिल में दया नहीं आती है। आखिर कैलस का यहाँ एक विदेशिया में कहना बा। अरे सालू बसंती पापी अरे मोह माया दियाले त्यागी अरे गटाई दबाई दूनो फेके साई तनावा गाड़ी में सवार भैले अनिर्दयी फरार भैले त घरवा बसंतिया के कैलस बहना अरे रहिया से भागी गई अरे तागी कुली में लागी गई अरे नहीं अरे के लोग सुनले बरसे नया नावा तो होनिया न टाले टाली अजाने लोग भाली भाती अरे केतनो हो जुगुती लगई है जाना
ए बाबूजी, सालू और बसंत दोनों मिल करके और अरंजू को पकड़ करके गटई दबाने लगते हैं। हाथ जोड़ करके अंजू बसंत का पैर पकड़ के रोवत बा, गिलगिलात बा कि हे पतिदे, ए सैया, हमसे कवन कसूर हो गई। अरे हम तो ये बहन तुहरे लग गई अली, तुहरे घरे अली, बात चीत मुलाकात भी ना भई, हमसे कवन कसूर हो गई, आप इतना निर्दयी बना रहे। ए भैया, लेकिन वह पापी बसंत नहीं मानता है। दोनों मिल करके उकर गटाई दबा करके फेंक दिहलन वही झाड़ के पास में। कवि जी लिखलन, लोग बतावेलन कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अगर मरे के ना लिखल हा ये धरती पर केहू ऐसा पैदो ना हा जे केहू के मार दे। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। ऊ तो मार के अपने जाने में फेंक दिलन नंजू के, चल गएलन वापस लौट के। जा करके घर बसंत कहा कि पिताजी, ऐसना लड़की से हमार शादी कैला, जात रहनी जा हनुमान मनावे लखनऊ, रास्ता में सोच के लिए उतरी और फरार हो गई। मैं ढूंढता रहा, मिली नहीं, मैं क्या करूं। आया बसंत, जब इतनी बात बतला दिया उसके पिताजी, बसंत के पिता विनोद अंजू के पिता के पास फोन लगा करके कहते हैं कि देखी भाई, ये घटना ऐसा घट गई कि हनुमान मनावे बसंत और अंजू जात रहन लखनऊ, और वहीं रास्ते से कहीं अंजू फरार हो गई गाड़ी से उतर करके। माई बाबू रोवत होन अंजू का, आ तबले एहर के बाद तेहर बा रोवत होन के हमार लड़की कहाँ भाग गई, ऐसा तो ना रहल, पढ़ल लिखल रहल, ऐसा गलती ना करी। आ तबले वही रास्ता से अजीब घटना एगो भइल, वही रास्ता से एगो डॉक्टर साहब जात रहल भइल का मास्टर बेक पहपट में कहना बा। अरे आवत रहल डॉक्टर कार चलाई आधी रतिया में, अरे आवत रहल डॉक्टर कार चलाई आधी रतिया में, आ रोकले गाड़ी देखले लाश चिहाई आधी रतिया में। वही रास्तवा से एगो डॉक्टर साहब जात रहलन, वही जे रोक के सोचलन कि पिशाब कर ले, वो उतरलन सोच खातिर, जही गाड़ी से निकललन वो झाड़ में देखत हो कि एक ठे सुंदर लड़की अधमरी पड़ी है, जिसके तन पर बेहूती चुनरी है, हाथ में मेहंदी है, मांग सिंदूर है। सब देखते हैं, सोचते हैं कितनी रात को ये यहाँ कैसे आकर के पड़ी है। तब हलका कि लसिया हिलावे तबले भुजकल बा मयनवा हो, आ सोचे डॉक्टर साहब बाटे अब हिन परनवा हो, अरे तुरते चलने कार में उठाई आधी रतिया में, अरे तुरते चलने कार में उठाई आधी रतिया में, आ होश भइल बा कैले जब दवाई आधी रतिया में। ए भैया, वो डॉक्टर साहब तुरंते जा करके वो लड़की के अंजू के हिलौलन, झकझोरलन, तनी सा हुचकल, समझ गएलन कि लड़की वही जिंदा बा। तुरंत उठा करके अपने कार में ले जा करके उसको रखते हैं और तुरंत भाग करके जाते हैं। लखनऊ शहर जा रहे थे, अपने हॉस्पिटल में लेके चले गएलन।
वही जन दर दवाई जब कैलन अंजू होश में भइल। कवि जी आल्हा के लाइन में लिखलन कैसे मास्टर भैया, कि हाय राम तरमना बिगरिए वो करी। कितना बढ़िया बात कवि जी लिखले हवन, कि रमना बिगरिए वो करी, अरे केहू का बिगारी भैया। उहे सादा होला जवल लिखल बाली लार, भैलू पचार अंजू हो सवा में अली भैया। डॉक्टर पूछेला कहवा घरवा हो तोहार, गोंडा जिला में मोरा फतेहपुर घरवा साहब। मंगिया सजा के जवन साथ मारावा में फेरावा लगवले साहब। उहे कैले बाले साहब हालत ई हमार, नैहरा नगारिया ने फोनावा लगवली भैया। कहे डॉक्टर साहब एगो हमारो ललनवा भैया, अंजू के बनाई बबहू घरवा के सिंगार, ए भैया डॉक्टर साहब ओकर उपचार कैलन दवाई कैलन अंजू होश में हो गई। आ जब अंजू होश में भइल लगल पूछे कि ये बेटी तुहर का नाव बा, कहाँ के रहे वाली बारू, तुहार घर कहाँ बा। अंजू कहती है कि ये डॉक्टर साहब हम तो मर गई लहलील, उ हमके मार के बिक दिलन हमार पति, जेकरे साथे हमार बियाह भइल रहल, हमारे मांगी के सरताज रहलन, मांगी के सिंगार रहलन, एगो सालू नाम की लड़की के प्रेम में फंस के ई हमार हालत कैले हुअन। हमके मुआ के दोनों बिक के चल गए हो साहब, लेकिन आब मिल गई भगवान के रूप में, लिया के दर दवाई कैली हम तो ठीक हो गईली, होश भइल बा। हमार गोंडा जिला में फतेहपुर गाँव बा, फोन लगौलस अपने पिताजी के पास, डॉक्टर साहब बात किए, तुरंत बुलाए, अंजू के माता पिता लखनऊ डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब कहलन कि एगो हमार लड़का बा अंजू को वो से ब्याह कर दलो, अगर तोहन के इतराज ना हत, इतनी बढ़िया लड़की के उ पापी ले जा करके शादी ब्याह करके बिना कुछ मतलब का, बिना कोनो बात का मार के फेंक दिहलस। भगवान का ऐसा कृपा रहल कि अंजू बच गई। डॉक्टर साहब जब अपनी लड़का से
शादी कैलन है अंजू को त कबीज लिखत हो खड़ी के लाइन में कैसे से चुनरी से नुराप अब सोहे लामतावा ताती हली जीवन दाना साहब थारा के हाथावा कबीज लिखत हमन कि बिहसे चुनरी सेनुरा सोहेला मथवा दिहनी जीवन दान साहब धारा के हथवा। अंजू जा करके डॉक्टर साहब के पैर पर गिर जाती है कि हे डॉक्टर साहब आप तो हमरे खातिर भगवान हो गईली, हमार दुनिया उजड़त रहल, लेकिन माता पिता जा करके सालू और बसंत के नाम से FIR दर्ज कर देते हैं, थाना में जाकर के जबरापट लिखाते हैं, पकड़ करके अंजू और सालू को जेल के अंदर कर दिया जाता है जो कि आज भी जेल में है। ऐसे कबीज लिखलन जिंदगी भइल माहूर गलत धैके सथवा अधिहनी जीवन दान साहब धरा के हथवा। यही से कहल जला कि बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो, ना मानत हो तो कह के देखो नहीं तो देख के मान जाओ। सब देखा था जेपी भाई कहल जला कि जब जकर ऊपर पड़ेला वही के बुझाला। आखिरी लाइन में भाव बा कहना बा तो गुरु बिहारी गुरु गणेश अरे प्रभु की यही सन्माया राम लाल गुरु बच्चन कहते कहीं पर धूप कहीं पर अरे किस्मत का लेखा देखा ना कोई, अरे किस्मत का लेखा देखा ना कोई, तो कहते ओम प्रकाश